तो अब चलिए डिस्कस करते हैं मौसम के बदलने का दूसरा फैक्टर जो कि है एयर प्रेशर। अब सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि प्रेशर का क्या मतलब होता है। तो प्रेशर का मतलब होता है किसी भी जगह में किसी भी चीज में कितना प्रेशर पड़ रहा है, इसका मतलब कि उस चीज में कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ये एक बुकलेट है, कागज की बुकलेट है, इस पे अगर मैं यूं पेन पकड़ के इस पे जोर लगाना शुरू करूं तो इस बुकलेट पे प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर कितना पड़ेगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? जितना मेरे हाथ में ताकत है। और एरिया मतलब इस पेन का जो एरिया है। तो इस बुकलेट पे एक प्रेशर पड़ रहा है। अब यहीं पे अगर मैं इस पेन को इस तरीके से पकड़ने की जगह अगर यूं पकड़ूं और इस तरीके से अगर इस पे जोर लगाऊं तो ये बुकलेट फट सकती है। और ऐसा क्यों? अगर मैं इस तरीके से जोर लगाऊंगा बुकलेट नहीं फटेगी, इस तरीके से जोर लगाऊंगा फट जाएगी। क्यों? मेरे हाथ की ताकत उतनी ही है लेकिन जो एरिया है एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया कम हो जाएगा तो इस बुकलेट के एक पर्टिकुलर हिस्से में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इस चीज को कहते हैं प्रेशर, कि कितना फोर्स लग रहा है कितने एरिया पे। तो अब बात करते हैं एयर प्रेशर की, यानी कि हवा कितना प्रेशर बनाती है या हवा कितना दबाव बनाती है। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को हमारी अर्थ अपनी तरफ खींचती है। और खींचती कैसे है? ग्रेविटी की फोर्स के साथ खींचती है। तो अब होता ये है कि ये जो हवा की लेयर है, ये हवा की लेयर हमारे अर्थ पे एक दबाव डालती है, हमारे अर्थ की हर चीज पे एक दबाव डालती है। तो अब इस चीज का मैं विजुअलाइजेशन आपको समझाता हूं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे अर्थ की सरफेस है, ये जमीन है हमारे अर्थ की, और इसके ऊपर यहां तक है एटमॉस्फेयर। तो अब हमारी जमीन इस एटमॉस्फेयर को खींच रही है अपनी तरफ, तो इस एटमॉस्फेयर पे एक फोर्स लग रहा है और ये एटमॉस्फेयर हमारी जमीन पे एक दबाव बना रहा है। तो अब आपको एक नेचर का रूल बता देता हूं। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें हवा है और हवा एक फ्लूइड होती है। फ्लूइड यानी कि हवा बहती है, हवा बह सकती है। और ये बहने वाली चीजों का एक उसूल होता है कि इनमें अगर प्रेशर पड़ता है तो ये प्रेशर चारों तरफ बटता है। कोई भी पार्टिकल चारों तरफ प्रेशर लगाएगा और बराबर प्रेशर लगाएगा। और इस पे जब प्रेशर लगेगा तो चारों तरफ से लगेगा और बराबर प्रेशर लगेगा। अब आप जरा खूबसूरती देखिएगा कि भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो किस तरीके से खेला है भगवान ने। तो अब इससे होता क्या है कि अब इमेजिन करिए कि मान लीजिए एक टेबल रखी है, तो इस टेबल के ऊपर हवा है और ये हवा जितना एटमॉस्फेयर है उतनी इस टेबल के ऊपर हवा है। तो जिस तरीके से कोई इंसान अगर टेबल पे बैठ जाए तो टेबल पे भार पड़ने लगेगा, इसी तरीके से इस हवा का, क्योंकि हवा भार डाल रही है, हवा का वेट है अपने आप में, भार है हवा का, तो इस हवा का वेट पड़ेगा इस टेबल पे। अब आपके दिमाग में अगर ये बात आए कि ये हवा बहुत हल्की होती है तो कितना भार पड़ जाता होगा, तो मैं एक अंदाजे के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी टेबल है, 1 मीटर करीब इतना डिस्टेंस होता है, तो अगर इतनी लंबी और इतनी ही चौड़ी टेबल है, छोटी सी टेबल, तो उस पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि ये प्रेशर इस चीज के बराबर है कि उस टेबल के ऊपर 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हैं। आप इमेजिन कर लीजिए छोटी सी टेबल 1x1 मीटर की, इसके ऊपर 10 कार रखी हुई हैं। इतना प्रेशर पड़ता है इस हवा की वजह से। अब आपके दिमाग में एक ख्याल ये आएगा कि अगर उस टेबल पे इतना प्रेशर पड़ रहा है तो ये टेबल टूट के बिल्कुल चकनाचूर क्यों नहीं हो जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फोर्स पड़ता है ऊपर से नीचे पड़ रहा है इस टेबल पे, इस टेबल के नीचे भी हवा है और ये हवा टेबल को ऊपर की तरफ फोर्स डाल रही है और उतना ही फोर्स डाल रही है जितना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से सारे फोर्स कैंसिल हो जा रहे हैं। अगर हवा इस टेबल को इस तरफ धकेल रही है तो हवा इस टेबल को इधर से भी धकेल रही है और उतना ही धकेल रही है।
तो चारों तरफ से जितने भी फोर्स पड़ रहे हैं वो सब आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इस वजह से ये टेबल टूटती नहीं है, चकनाचूर नहीं हो जाती है। तो अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठेगा कि हम जितने इंसान हैं, जितने जीव जंतु हैं, हम क्यों नहीं पिचक जाते, क्योंकि हमारे नीचे कौन सी हवा है। तो अब इसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर खून बह रहा है और हमारे अंदर हम जो सांस लेते हैं वो हवा भी चल रही है, तो हमारे अंदर भी फ्लूइड्स हैं, ये बहने वाली चीज़ें। तो हमारे चारों तरफ की जो हवा है, ये हवा हम पे जितना प्रेशर डालती है, हमारी बॉडी भी वापस उतना ही प्रेशर डालती है बाहर की तरफ। तो ये दोनों प्रेशर जो है, दोनों फोर्स जो हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि इतना सारा प्रेशर हम पे पड़ रहा है, हवा का भार पड़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी भी इतना ही प्रेशर डाल रही है। तो अब इस चीज़ को लैंग्वेज में देखते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ओवर अ सर्फेस। यानी कि एयर प्रेशर का मतलब होता है कि हवा कितना भार डाल रही है उस सर्फेस के ऊपर, कि कितना प्रेशर है, कि हवा का भार कितना है। एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स, हाउएवर वी डोंट इवन फील इट। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड अवर बॉडी एग्जर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। और हमारे चारों तरफ जो प्रेशर है हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है कि हवा हमें चारों तरफ से दबाती है, जितना प्रेशर आगे से आ रहा है उतना ही प्रेशर पीछे से भी आ रहा है। और इसके अलावा हमारी बॉडी एक काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करती है अपने चारों तरफ। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद हाइट। अब एक और चीज, आप जैसे जैसे ऊंचाई में चले जाते जाएंगे एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा। अब ऐसा क्यों, आप विजुअलाइज करिएगा, ये टेबल अभी यहाँ रखी है तो इसके ऊपर इतनी सारी हवा का भार है, इसी टेबल को अगर आप इस हाइट पे ले जाइए तो अब इस टेबल पे सिर्फ इतनी हवा का भार होगा, तो इस वजह से इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यही चीज कही गई है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर में वैसे वैसे प्रेशर कम होता चला जाएगा, और अगर आप सी लेवल पे हैं यानी कि समंदर के पास हैं तो एयर प्रेशर वहां पे हाईएस्ट होगा, और जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाएगा हाइट के साथ। और यही रीजन है कि जब आप ऊंचाई में जाते जाएंगे और पहाड़ों में चले जाएंगे तो पहाड़ों में एयर प्रेशर बहुत कम होता है, और इसी वजह से पहाड़ों में कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और अगर पहाड़ों में आप पानी को गर्म करो तो सी लेवल के आसपास आपको पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा गर्मी चाहिए, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है पहाड़ों के ऊपर। अगर आप पानी गर्म करने लगो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ एयर टेम्परेचर अफेक्ट्स एयर प्रेशर, यानी कि हवा का टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है हवा के प्रेशर को। तो अब इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा विजुअलाइज होगा। तो जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है और इस कमरे में एयर कंडीशनर चल रहा है और इस कमरे में काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। तो अब इस कमरे के अंदर कई सारे हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे, कई सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग तमाम तरह के गैसेस के। अब जैसे यहाँ पे अभी टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर मान लीजिए इस जगह का 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, मान लीजिए। अब इस जगह का एसी बंद कर दिया गया और ये कमरा थोड़ा सा गर्म हो गया और इस हवा का टेम्परेचर, इस कमरे का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि गर्मी काफ़ी बढ़ गई। तो अब क्या होगा, गर्मी बढ़ने से एक चीज़ होती है, आपको नेचर की एक और फितरत बताता हूँ, और ये हर तमाम चीज़ों में होती है, चाहे आप एटम्स के लेवल पे बात करिए चाहे मॉलिक्यूल्स के लेवल पे। तो जब गर्मी बढ़ती है तो तमाम एटम्स और तमाम मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके साथ होता होगा। अगर छोटी सी किसी बेंच में अगर आपको कह दिया जाए कि आप तीन लोग या चार लोग चिपक के बैठिए, तो अगर सर्दियों का टाइम है तो आप आराम से बैठ सकते हैं, चिपक के सब लोग बैठ जाएंगे, आप आराम से कंफर्टेबल रहेंगे।
लेकिन अगर गर्मियों के टाइम पे आपको कह दिया जाए कि आपको चिपक के बैठना है 3-4 लोगों के साथ, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो आप चाहेंगे थोड़ा सा दूर दूर बैठे सब लोग। तो यही चीज होती है एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ। जैसे ही उनके अंदर गर्मी आती है, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स हमेशा हिलते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है, तो इनका ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो और ज़्यादा ये दूर दूर होने लग जाते हैं। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे। जैसे ही कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होगा, तो ये जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दूर दूर जाने लग जाएंगे। तो अब इस कमरे के अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे, लेकिन पहले के मुकाबले मॉलिक्यूल्स थोड़े से कम हो जाएंगे। तो अब मॉलिक्यूल्स के कम होने से क्या होगा, आप चेंज देखिएगा, चेंज क्या हुआ है। पहले जितने मॉलिक्यूल्स थे, पहले मॉलिक्यूल्स थोड़े ज्यादा थे, टेम्परेचर कम था तो मॉलिक्यूल्स थोड़े ज्यादा थे, और क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो ये हर तरफ प्रेशर डाल रहे थे, आपस में हर जगह इधर उधर ये प्रेशर डाल रहे थे, तो इनकी वजह से जो प्रेशर था वो ज्यादा था। और अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो अब मॉलिक्यूल्स जो हैं इस जगह में, मॉलिक्यूल्स हो गए थोड़े से कम, पहले के मुकाबले थोड़े कम हो गए। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं चारों तरफ, अभी भी चारों तरफ प्रेशर पड़ रहा है हर जगह, लेकिन पहले के मुकाबले जो प्रेशर है, प्रेशर अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट लगता है जब मौसम से जुड़ी तमाम चीजें होती हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर प्रेशर पे इफेक्ट डालता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज लो, द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। अब जहां जहां भी ऐसे एरियाज में जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि ठंडक ज्यादा पड़ती है, वहां पे हवा क्या होती है, हवा काफी ठंडी होती है, जाहिर सी बात, ठंडी हवा जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है, क्योंकि ठंडी हवा है तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं उस जगह पे, और ठंडी हवा भारी होती है, तो भारी हवा नीचे की तरफ बैठती है, सिंक होती है, भारी हवा नीचे बैठती है, और इस वजह से उस जगह पे क्या बनता है, हाई प्रेशर एरिया। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। जहां जहां भी हाई प्रेशर जिन जगहों में होता है, वहां आसमान साफ रहता है और सनी रहता है, वहां बादल ज्यादा नहीं बनते हैं हाई प्रेशर एरिया में। अब इस चीज का कनेक्शन थोड़ी देर में हम बाद में समझेंगे, फिलहाल अगले टर्म पे आते हैं। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, द एयर गेट्स हीटेड अप एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया विच इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। ऐसे इलाके जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, टेम्परेचर ज्यादा है यानी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए हैं, तो अब मॉलिक्यूल्स वहां कम पड़ रहे हैं, तो अब इस वजह से क्या होता है, द एयर गेट्स हीटेड अप, टेम्परेचर ज्यादा है, हवा गर्म है, तो अब गर्म हवा क्या करती है, राइज करती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। तो अब क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे लो प्रेशर बनता है, बहुत कम प्रेशर होता है ऐसी जगहों पे, और जहां जहां लो प्रेशर होता है वहां पे बादल बनने लग जाते हैं और वेट वेदर होता है, यानी कि बारिश होने के आसार ज्यादा होते हैं। अब ये जो पॉइंट है कि लो प्रेशर एरिया में बादल और बारिश किस तरीके से, ये हम अब डिस्कस करते हैं। तो अब आपको नेचर का एक और रूल बताता हूं, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, समंदर के किनारे जो हवाएं चलती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, तो आपको ये पूरा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लीजिए ये समंदर है और ये समंदर के किनारे की जमीन है, ये पूरी जमीन है। अब जब दिन का टाइम होता है, तो दिन के टाइम में जब सूरज निकलता है आसमान में, तो अब जमीन की फितरत ये होती है कि जमीन बहुत जल्दी से गर्म होने लग जाती है, और पानी की फितरत ये होती है कि पानी धीमे धीमे से गर्म होता है। तो अब दिन के टाइम पे क्या होता है, जमीन ज्यादा गर्म होती है, पानी के मुकाबले जमीन कहीं ज्यादा गर्म होगी, और पानी
भी गर्म होगा लेकिन जमीन के मुकाबले पानी थोड़ा सा ठंडा ही बना रहता है। तो अब यहां क्या होता है, यहां पे गर्मी है तो अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाएंगे और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी। और जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाएंगे, तो यहां क्या बनेगा, एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, मॉलिक्यूल्स यहां कम है और जबकि यहां पे नॉर्मल है, तो इसके मुकाबले यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा। और इस नेचर की एक और फितरत मैं आपको बता देता हूं, ये नेचर किसी भी खाली जगह को खाली नहीं रहने देता, कोशिश रहती है इस नेचर की कि उस जगह को भरा जाए। तो जैसे ही यहां मॉलिक्यूल्स कम होने लगते हैं, लो प्रेशर जोन बनता है, तो हवाएं इस लो प्रेशर जोन की तरफ चलने लग जाती हैं। तो समंदर के किनारे के जो एरिया होते हैं दिन के टाइम में, इसमें जो हवा होती है ये समंदर से जमीन की तरफ चलती है, और इसी का उल्टा होता है रात के टाइम पे। अब जैसे हम रात का सिनारियो देखते हैं, तो रात का सिनारियो कुछ ऐसा रहेगा कि ये समंदर है और ये जमीन है, तो अब जमीन जल्दी गर्म होती है लेकिन जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात के टाइम पे जमीन होगी काफी ठंडी होगी, और जमीन के कंपैरिजन में जो समंदर होगा, समंदर का पानी भी थोड़ा ठंडा होगा लेकिन जमीन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा गर्म रहेगा, क्योंकि समंदर देर में गर्म होता है लेकिन ठंडा भी थोड़ा देर में होता है। तो अब समंदर के ऊपर गर्मी है, तो यहाँ पे वही चीज़ होगी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, गर्म हवा ऊपर जाती जाएगी, और यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर जोन, और यहाँ लो प्रेशर जोन बनेगा, और यही चीज़ होगी जमीन में बनेगा हाई प्रेशर जोन, इसके मुकाबले तो हाई रहेगा। तो अब रात के टाइम पे जमीन से हवा चलेगी समंदर की तरफ, तो इस तरीके से समंदर के किनारे की हवाएं चलती हैं। तो अब आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि लो प्रेशर जोन, हमने जैसे पढ़ा था कि जहां हाई प्रेशर जोन होता है वहां बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, और लो प्रेशर जोन में बारिश होती है। तो आप देखिए, हवा जब चलेगी लो प्रेशर जोन से, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ, तो ये लो प्रेशर जोन में बादल बनेंगे, बारिश होगी। यही चीज यहां पे होगी कि जिस तरफ हवा चलेगी वहां पे बारिश और बादल लेकर आएगी, तो लो प्रेशर जोन में बारिश और बादल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये पूरा सिनारियो होता है कि इस तरीके से हवा चलती है एयर प्रेशर के मुताबिक। और इसके अलावा एयर प्रेशर कई चीजों के दौरान बहुत ज्यादा काम आता है, जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस इसी वजह से ले पाते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे ये सीने में एक मसल होती है डायफ्राम, वो डायफ्राम एक्सपैंड करता है, तो हमारे फेफड़ों में लो प्रेशर जोन बनता है, और आसपास की हवा हमारे फेफड़ों के मुकाबले हाई प्रेशर जोन में होती है, तो हवा बाहर से अंदर चली जाती है हमारे फेफड़ों में, तो हम सांस ले पाते हैं इसी प्रिंसिपल की वजह से कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ आती है। जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में भी यही होता है, जब हम स्ट्रॉ से हवा खींचते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर लो प्रेशर जोन बन जाता है और आसपास का हाई प्रेशर जोन उस स्ट्रॉ में घुसता चला आता है, तो स्ट्रॉ में लिक्विड ऊपर की तरफ आने लगता है। हैंडपाइप भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जब हम हैंडपाइप में स्ट्रोक देते हैं तो हैंडपाइप के अंदर लो प्रेशर जोन बनता है, तो जमीन के नीचे का पानी ऊपर आने लगता है। और इसके अलावा जो साइफन होता है वो भी इसी प्रिंसिपल में काम करता है, सीरिंज भी इसी प्रिंसिपल में काम करती है, जब आप सीरिंज खींचते हो तो सीरिंज के अंदर लो प्रेशर जोन बनता है और आसपास की चीज़ें उसमें भरती हुई चली आती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर जोन लो प्रेशर जोन की तरफ आता है। वैक्यूम क्लीनर में भी यही चीज़ होती है, वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक फ़ैन होता है, वो फ़ैन घूमता है तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर की हवा को खींचता है, जब हवा खींच जाती है तो वहाँ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, लो प्रेशर बन जाता है, तो वैक्यूम क्लीनर आसपास की चीज़ों को खींचने लगता है, आसपास की जो भी हाई प्रेशर की चीज़ है वो खींचती चली आएगी। तो इस तरीके से एयर प्रेशर के तमाम ये प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया है एयर प्रेशर के बारे में, तो अब आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि जब इंसान स्पेस में जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं या चांद पे जाते हैं, तो वो एक ऐसा स्पेस सूट क्यों पहनते हैं।
ऑन द मून और इन स्पेस देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। स्पेस में कोई हवा नहीं होती और इस वजह से कोई हवा का प्रेशर नहीं होता है। तो अब होता यह है, इफ एस्ट्रोनॉट्स डू नॉट वियर दीज स्पेस सूट्स द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स बर्स्ट, द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड। तो अब हम देख चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, तो हमारी बॉडी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है चारों तरफ। अब अर्थ में तो ये प्रेशर काउंटर हो जाता है बाहर के प्रेशर से, लेकिन स्पेस में ये बाहर का प्रेशर होता ही नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो फ्लूइड है, तो हमारी बॉडी प्रेशर एक्सर्ट करना चालू रखती है। तो हमारी बॉडी का प्रेशर है लेकिन बाहर से कोई प्रेशर नहीं है। तो इससे होता क्या है कि जो नसें होती हैं ये नसें फटने लग जाती हैं, और एस्ट्रोनॉट्स अगर अपना स्पेस सूट हटा दें तो उनकी नसें फटने लग जाएंगी और एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी और इस तरीके से उनकी मौत होगी, क्योंकि जो काउंटर प्रेशर है हमारे बॉडी का, ये काउंटर प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं उनकी, वो नसें फटनी शुरू हो जाएंगी। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। तो इस वजह से उन्हें ये स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने पड़ते हैं जिनमें हवा भरी होती है। तो अब हमारा अगला मुद्दा है विंड यानी कि हवा। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। हवा जिस तरीके से चलती है एक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, इस चीज को कहते हैं हवा। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। When hot air rises, cold air rushes to fill the gap, thus making air circulation. जब गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करती है तो ठंडी हवा रश करती है उस गैप को फिल करने के लिए। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा उस गैप को फिल करने के लिए रश करती है, और इसी चीज को कहते हैं एयर सर्कुलेशन। विंड कैन बी माइल्ड एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग। हवा बहुत हल्की फुल्की भी चल सकती है और बहुत ज्यादा तेज भी चल सकती है। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्लीज। अब दुनिया में कई सारी अलग अलग जगहें हैं और अलग अलग तरह की हवाएं चलती हैं उन जगहों में, तो अलग अलग हवाओं को, कई सारी हवाओं को नाम दिए गए हैं, और हवा का नाम दिया जाता है उस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से हवा बह रही है, डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। अब जैसे कि कोई हवा वेस्ट डायरेक्शन से बहती है और हमेशा वेस्ट डायरेक्शन से ही बहती है, तो उस हवा का नाम दे दिया जाता है वेस्टर्ली, यानी कि जो हवा हमेशा वेस्ट से बहेगी वो हवा वेस्टर्ली। अब दुनिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां एक ही डायरेक्शन में हवा बहती है साल भर, ऐसी कई सारी जगहें हैं। और इसके अलावा दुनिया में कई सारी ऐसी भी जगहें हैं जहां अलग अलग मौसम के लिहाज से हवा का डायरेक्शन बदलता है, जैसे गर्मियों के सीजन में इस तरफ से हवा आ रही है, सर्दियों के सीजन में हवा जो चलेगी वो इधर से चलेगी, तो इस तरीके से मौसम के मुताबिक हवा बदलती है। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो हवा को बेसिकली तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं इन अलग अलग टाइप की विंड्स को। तो सबसे पहले हैं परमानेंट विंड्स। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो सबसे पहले परमानेंट विंड्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये परमानेंट रहती हैं, ये बदलती नहीं है। तो अब कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे जो हवा चलती है वो हवा साल भर चलती है और एक ही डायरेक्शन में चलती है। जैसे कि मान लीजिए वेस्ट की तरफ से हवा चल रही है तो साल भर चलेगी, वेस्ट की डायरेक्शन से ही चलेगी। तो ये हवाएं थ्रू आउट द ईयर चलती हैं पूरे साल भर और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। अब परमानेंट विंड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। ये नाम हैं अलग अलग हवाओं के, दुनिया के अलग अलग जगहों में ये हवाएं चलती हैं, और नाम वेस्टर्लीज यानी कि ये हवा वेस्ट के डायरेक्शन से बहती है साल भर, ईस्टर्लीज यानी कि ये हवा ईस्ट के डायरेक्शन से साल भर बहती है। अब अगले टाइप की विंड्स हैं सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जाम्पल मानसूनस इन इंडिया। तो ये जो सीजनल विंड्स होती हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं अलग अलग मौसम के लिहाज से, चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। अब जैसे कि इंडिया में मानसून जो आते हैं
हमारे देश में जितनी भी बारिश होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो बारिश होती है वो मानसून की हवाएं लाती हैं, और ये जो मानसून की हवाएं हैं ये शुरू होती हैं बे ऑफ बंगाल से और फिर हमारे पूरे देश में फैलती हैं। तो ये जो मानसून की विंड्स होती हैं ये सीज़न के मुताबिक चेंज होती हैं, किसी सीज़न में कहीं से बह रही हैं, किसी दूसरे सीज़न में कहीं किसी और डायरेक्शन से आ रही हैं। अब तीसरे टाइप की विंड्स हैं लोकल विंड्स। दीज विंड्स फ्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू। अब तीसरे तरह की विंड्स होती हैं लोकल विंड्स। ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे यानी कि किसी दिन के किसी पर्टिकुलर हिस्से में या साल के किसी पर्टिकुलर हिस्से में बहती हैं और वो भी किसी एक स्मॉल एरिया में। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी कि हमारे देश के नॉर्थ इंडिया वाले हिस्से में बहुत गर्म और बहुत सूखी लोकल विंड्स चलती हैं जिनको कहा जाता है लू। इस लफ्ज़ को आप कई बार सुनते होंगे कि लू चल रही है या लू चलना शुरू हो गई है। तो ये जो हवाएं होती हैं जिनको हम लू कहते हैं ये नॉर्थ इंडिया के हिस्से में ज़्यादातर चलती हैं और दिन के टाइम पे चलती हैं और गर्मियों के सीज़न में चलती हैं। तो ये होती हैं लोकल विंड्स। अभी क्लास 7th के लेवल पे आपको बहुत हल्का सा आइडिया बताया गया है, जब आप ज्योग्राफी और आगे पढ़ोगे अगले क्लासेस में तो ये चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में आएंगी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है मॉइस्चर यानी कि नमी। तो अब होता क्या है, हमारी जो अर्थ है हमारी अर्थ के 70% हिस्से में समंदर है जो हमारे अर्थ के सरफेस का हिस्सा है, और जो 30% जो हिस्सा है जिसमें ज़मीन है उस हिस्से में भी तमाम तरह की वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि कई जगह पे झरने हैं, कई जगह पे बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं। और इसके अलावा ये सब तो वाटर बॉडीज़ मैंने गिनाई, इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें भी पानी होता है, जितने भी जीव जंतु हैं जो हम इंसान हैं हम सब में पानी का एलिमेंट होता है, क्योंकि लाइफ अगर किसी भी चीज़ में लाइफ है तो पानी उसका बेस है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे बॉडी में करीब 60% पानी होता है, हमारा जितना खून है हमारा खून देखा जाए एक तरीके से पानी ही है, हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं वो मॉइस्चर से बने हैं, तो पानी बेस है तमाम तरह की लाइफ का। तो अब इसी चीज़ को कहते हैं नमी, हर चीज़ में एक नमी होती है। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapors. तो अब पानी की खासियत ये होती है कि पानी evaporate करता है यानी कि भाप बनता है। अगर आप पानी गर्म करें तो पानी भाप बन जाएगा, अगर आप पानी को normally कहीं पे अगर पानी गिर जाता है तब भी आप देखते होंगे थोड़ी देर में पानी गायब हो जाता है। तो पानी की खासियत होती है पानी evaporate करता है, और जब पानी evaporate करता है तो ये बनता है water vapor यानी कि भाप, ये अपने गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पानी। मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। व्हेन द वेदर इज फुल ऑफ वाटर वेपर्स वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। अब पानी जब इवेपोरेट करता है और भाप बनता है तो इस हवा में मिल जाता है, तो जब इस हवा में ये पानी के वेपर्स या पानी की भाप मिल जाती है तो ये हवा में ह्यूमिडिटी हो जाती है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं उमस हो जाती है। और अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई तो उस दिन को कहते हैं ह्यूमिड डे। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली। तो अब इस हवा में पहले से ही जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हैं, भाप है पहले से ही, तो अब क्या होता है ऐसे किसी उमस वाले दिन में जो कपड़े होते हैं, आप कपड़े धुलने के बाद अगर सूखने के लिए टांग दो तो उनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कपड़े सूखने का मतलब क्या कि कपड़ों के अंदर की नमी वो चली जाएगी इस हवा में। अब इस हवा में पहले इतनी नमी है तो ये जो रेट है कि कितनी धीमे धीमे जाएगा वो नमी बहुत धीमे धीमे से जाएगी इस हवा में, तो कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसी तरीके से हमें जो पसीना आता है किसी उमस वाले दिन में वो पसीना देर में सूखता है, क्योंकि हवा में पहले ही इतना ज़्यादा वाटर वेपर्स हैं कि और वाटर वेपर्स को जाने में टाइम लगता है। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेस एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। तो अब यहाँ मैं आपको इस चीज़ का विजुअलाइजेशन कराता हूँ। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है
और इस बॉक्स में हवा भरी हुई है, तो इस हवा के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस बॉक्स के अंदर। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते चले जाएंगे और मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स बहुत कम रह जाएंगे इस बॉक्स के अंदर, तो अब इस बॉक्स में जगह ज़्यादा हो जाएगी वाटर वेपर्स के लिए, ज़्यादा भाप आ सकती है। और इसी तरीके से टेम्परेचर आप और बढ़ा दीजिए तो हवा के मॉलिक्यूल्स और कम होते चले जाएंगे, और जगह बन जाएगी और उस जगह में भाप आ सकती है। तो इसी तरीके से हवा जब गर्म होती रहती है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है ये वाटर वेपर्स की, ये इंक्रीज हो जाती है। हवा के गर्म होने पे वो और ज़्यादा भाप को सोख सकती है, तो इस तरीके से हवा और ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस। अब आपने देखा होगा जब जेट प्लेन उड़ते हैं तो जेट प्लेन के पीछे एक बादल जैसी एक लकीर छूटते हुए जाती है। उसका रीज़न ये है कि उनके इंजन से जो भी धुआं निकलता है वो धुआं इतना गर्म होता है कि उसमें वाटर वेपर्स होते हैं। वो वाटर वेपर जब बाहर निकलते हैं उस जेट से, तो वो वाटर वेपर अचानक से थोड़े ठंडे होते हैं और वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस यानी कि भाप के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। और इसी वजह से आसमान में एक वाइट कलर की ट्रेल छूटते हुए नजर आती है, क्योंकि जितना भी वाटर वेपर थे वो कंडेंस होते जा रहे हैं। चलिए फिर, थैंक यू।